नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ रोशन। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है पूरे देश के लिए है, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राम लला को वहीं रखने का आदेश दिया है, मंदिर वहीं बनाया जाएगा, जबकि मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद रांची में धारा 144 लागू कर दी गई है। हमारे संवाद सहयोगी ने बताया कि वहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है, एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके और हर तरह से नजर रखी जा रही है। आप पहले सुनिए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक की ये बात। देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जितने भी हमारे संवेदनशील स्थान हैं, संवेदनशील इलाके हैं, सभी में फोर्स की तैनाती की गई है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो। जितने पदाधिकारी हैं और उनके साथ मैजिस्ट्रेट्स हैं, सभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं और विशेष तौर पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पे निगरानी रखने के लिए साइबर सेल 24 घंटे कार्यरत है। युवा पीढ़ी से और रांची वासियों से यही अपील है कि किसी तरह की कोई पोस्ट, वीडियो मैसेज जो कि किसी धर्म, जाति या किसी समुदाय, संप्रदाय की भावना को आहत करता हो, उसको ना पोस्ट करें, उसको ना शेयर करें, ना उस पर किसी तरह की टिप्पणी करें। यदि ऐसा कुछ देखते हैं तो उसकी सूचना अविलंब डायल 100 पे हमारे कंट्रोल रूम में या पदाधिकारियों के मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी है तो उसके लिए भी आपको आश्वस्त किया जाए। सर, जुलूस वगैरह के लिए भी कोई निर्देश दिए हैं? देखिए, चूंकि यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, अनुमति के आधार पर प्रोसेशन इत्यादि निकाले जा रहे हैं। तो अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रांची में जिला प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च के साथ साथ विशेष सतर्कता भी बरत रही है। रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक लगातार सड़कों पर गश्ती कर रहे हैं, साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने की अपील भी कर रहे हैं। SSP ने बताया कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह या गलत जानकारी नहीं देने के साथ इस पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। तो नवंबर के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, अयोध्या के ऊपर फैसला भी आ गया है और अब फिलहाल हमारे संवाद सहयोगी के अनुसार रांची में धारा 144 लागू है, एहतियातन पुलिस हर जगह तैनात है, फोर्स तैनात है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और हर छोटी बड़ी खबर को पढ़ने के लिए livecities.in पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।